नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी पैनलिस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक आरआरसी अपनी प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहा है और बहुत से जोनों में यहाँ पर पैनलिस्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जोनों में यहाँ पर अभी पैनलिस्ट नहीं आया है, कुछ जोनों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, इसी बीच में एक जोन से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, अपडेट जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट आप लोग को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट जो है दक्षिण रेलवे से है, साउथ सेंट्रल रेलवे से। यहाँ पे आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यह तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवाइज नोटिस जारी किया गया है, इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लेकर के और अपील मेडिकल के लिए अगर अपील करने चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट पेट कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेल सिकंदराबाद, ए नोटिस डेटेड 12/4/2023 फोर 123 करंट डेट बाद पब्लिश्ड फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल फिटनेस डिक्लेयर बाय रेलवे मेडिकल अथॉरिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बता रहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे CBT और पेट परीक्षा में पास करने के उपरांत 12/4/2023 को 123 कैंडिडेट को यहाँ पे अपील करने मेडिकल के लिए अपील करने के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इन मॉडिफिकेशन टू लिस्ट पब्लिश अगेंस्ट मे टू नोट दैट एमंग 123 1-3 कैंडिडेट ओनली 33 कैंडिडेट मेंशन इन एनेक्जर 1 आर एडवाइज टू सबमिट अपील एज पर द कंडीशन मेंशन इन नोटिस डेटेड 12/4/2023। रिमेनिंग 90 कैंडिडेट नीड नॉट सबमिटेड अपील, कैंडिडेट मे नोट द अबोव चेंज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जो 123 कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल में अपील करने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, उनमें से 90 कैंडिडेट को यहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप लोग इसमें अपील ना करें, और यहाँ पे मात्र 33 कैंडिडेट को कहा गया है कि आप मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, द अपील अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट एज इनक्लोजेड फॉर्मेट इन नोटिस डेटेड 12/4/2023 फोर दीज 33 कैंडिडेट शुड ईच टू सीनियर पर्सनल ऑफिसर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक रेल निकलायम सिकंदराबाद और तेलंगाना सिकंदराबाद। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, डेट भी मेंशन किया गया है, एड्रेस भी मेंशन किया गया था कि किस वेन्यू पे यहाँ पे आप लोग का मेडिकल कंडक्ट कराया गया था, और वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया गया होगा, उस फॉर्मेट में ही आप लोग को अपील करना है। इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू मेक अपील बिफोर 13/5/2023 यानी 13 मई 2023 तक आप लोग अगर अपील दर्ज नहीं करते हो तो इट विल बी प्रज्यूमेड डैट ही सी इज सेटिस्फाइड विथ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट गिवेन बाय रेलवे मेडिकल अथॉरिटी एंड द कैंडिडेट विल बी कैंसिल विदाउट गिवेन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, अगर आप लोग 13/5/2023 तक वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेट फाइनली रूप से रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे 33 कैंडिडेट में कि मेरा नाम है या नहीं, अगर आप इसमें नाम है तो आप मेडिकल के लिए अपील दर्ज कर सकते हैं, और 90 कैंडिडेट को यहाँ पे पहले ही घोषित कर रखा है कि आप लोग को मेडिकल के लिए री अप्लाई नहीं करना है। वही दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बिलासपुर से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे फाइनली रूप से यहाँ पे पैनल लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन किया है कि आपको पोस्ट कौन सा उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नेम, कैटेगरी, रोल नंबर और फाइनल मार्क्स, पोस्ट अलॉटेड, यहाँ पे सारे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला नंबर पर है जिनको 85 मार्क्स आए हैं, 1 से लेकर 4 तक जो कैंडिडेट उनके 85 मार्क्स आए हैं, उसके बाद में कमते गया है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट का यहाँ तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस जोन में अपना PET एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे और उसमें क्वालिफाई कर गए थे, वो अपना इस लिस्ट में अपना नेम चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोग का नाम आ जाता है तो समझे कि आपको फाइनल रूप से सिलेक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, फटाफट अपना रिजल्ट चेक करें, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पे कुल मिलाकर अगर यहाँ देखें तो
यहाँ पे इकट्ठा तो नहीं बताया गया कितनी अभ्यर्थी हैं, पर यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये दो बहुत ही बड़ी अपडेट थी कि एक जोन में यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी किया गया, एक दूसरे जोन में यहाँ पे 33 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए अपील करने का मौका मिला है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।